Hello students, I hope you all are well and doing good. Today we will study about our first chapter of science, that is nutrition in plants. In this chapter we will study about the various topics like what are autotrophs and heterotrophs, what is photosynthesis, then what are parasites and saprophytes, what are insectivorous plants, and then what is symbiosis. So firstly let's start with our first basic topic, that is nutrition. What is nutrition? As we all know that all living organisms need food in order to stay alive, for growth, for repair worn out cells, and for the reproduction. Ki sare living organism ko food chahiye apne aap ko alive rakhne ke liye, apni growth ke liye, cells ki repairing ke liye, reproduction ke liye. Means all activities jo bhi hain hamari body ki, un sabhi activities ko अच्छे से परफॉर्म करवाने के लिए हमें फूड चाहिए. अब फूड से हमें क्या मिलता है? एज वी नो फूड इज़ ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? जैसे कि हम अपनी प्रीवियस क्लास 6 के अंदर पढ़ चुके हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स ऑफ फूड मीन न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल एंड प्रोटीन. दीज आर ऑल न्यूट्रिएंट्स. और जब हम इन न्यूट्रिएंट्स को फूड के थ्रू लेते हैं, बिकॉज एज वी नो कि जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट में हमें अलग अलग फूड से अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. और जब हम इन न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं फूड को खाने के बाद, जो हम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन. सो द प्रोसेस वाई विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट इज नोन एज न्यूट्रिशन. ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उससे उनकी बॉडी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन. अब जैसे कि हमें एनिमल्स को, सभी को न्यूट्रिशन चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए. अब प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? प्लांट्स में न्यूट्रिशन दो तरीकों से होता है, टू टाइप से होता है. फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज़ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? एज वी नो मोस्ट ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और इनका ग्रीन कलर, इनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ क्लोरोफिल. उसकी वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है. अब ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है? सन की हीट को ट्रैप करता है और उससे अपना फूड बनाता है. तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एंड और जो ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं उस फूड को बनाने के लिए, उन ऑटोट्रॉफ उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स. न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एंड जो ऑर्गेनिज्म फूड बनाते हैं उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स. सो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड देयर सेल्फ, सो दे आर ऑटोट्रॉप्स. और जिस प्रोसेस से वो अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is a process in which plants prepare their food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and form their food and oxygen as a byproduct. What is the meaning of photosynthesis? Photosynthesis word is made by the two words. One is photo, means light, and second word is synthesis, means putting together. So the process photosynthesis involves putting together the ingredients, ingredients like CO2 and water. इन दोनों ingredients को साथ में लेके sunlight की presence में जब वो अपना food बनाते हैं तो उस process को बोलते हैं photosynthesis. In this diagram you can see how the plants get CO2 by the leaves.